मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में बारिश, ओले और तेज हवाओं से तापमान में तेजी नहीं देखी गई, लेकिन मई के महीने में पूरे प्रदेश में गर्मी जमकर बरसेगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस महीने के पहले दिन से ही सूर्यदेव के तेवर तीखे रहेंगे, जिससे तापमान में तेजी से उछाल आएगा और भीषण गर्मी के साथ ही गर्म हवाएं भी चलेंगी। सबसे ज्यादा मालवा, निमाड़, ग्वालियर और चंबल संभाग में गर्मी का असर दिखाई देगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुंदरेन ने बताया कि मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। पिछले 10 साल का ट्रेंड देखें तो एमपी के कई शहरों में पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। हालांकि मई में बारिश का भी ट्रेंड रहता है। पिछले साल ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में मई के महीने में बारिश भी हो चुकी है। मौसम विभाग ने मई में ग्वालियर, चंबल समेत भोपाल, उज्जैन, निवाड़ी, छतरपुर के खजुराहो और नौगांव, टीकमगढ़, खरगोन, शिवपुरी, खंडवा, बड़वानी में भीषण गर्मी पड़ने के संकेत दिए हैं। अनुमान है कि मई के महीने में पारा 47 डिग्री के पार जा सकता है। मई के पहले और दूसरे सप्ताह में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार रहेगा, तो वहीं तीसरे हफ्ते में तेज तपन के कारण कई जिलों में 47 डिग्री के पार पारा पहुंच सकता है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने के कारण अधिकांश जिलों में लू का असर दिखाई देगा। मौसम वैज्ञानिकों ने मई के अंतिम दिनों में मौसम में बदलाव के चलते कई जगह बारिश की संभावना भी जताई है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि मई के महीने में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होंगे, इसकी वजह से चौथे सप्ताह में ओले बारिश का दौर भी बन सकता है। हालांकि इसका असर कुछ जिलों में देखने को मिलेगा, जबकि बाकी जगहों पर गर्मी का असर बरकरार रहेगा। इंदौर से लोकलिटीन के लिए राहुल दबे की रिपोर्ट।